हर ग्रीव लुट रहा है, हर ग्रीव लुट रहा है, हर ग्रीव लुट रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ ड्यूटी इसलिए नहीं बनी है कि लोगों की जेबें काटने के लिए। चनैनी में बढ़ता जा रहा है जेब कतरों का अंतक। अब चाय पीते पीते जेब काट दी, 1800-1800 रुपया इसका निकाल लिया। उसके बाद ये बाबूराम है, उसका भी 24,000 रुपया अभी जेब से निकाल लिया। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। मैं बात कर रहा हूं जिला उधमपुर की तहसील चनैनी की। जी हां, चनैनी में एक जो घटना आज पेश आई है वो है जेब कतरों की। दो लोग किसी काम के लिए चनैनी पहुंचे थे। ये लोग मादा के थे, लेकिन जब ये चनैनी पहुंचे वहां पर चाय की दुकान में चाय पी रहे थे, लेकिन जब उसके बाद इन्होंने अपने जेब की तरफ हाथ डाला तो देखा कि इनका जो जेब था वो किसने काट लिया था। दो शख्स से मैं पहले अमाउंट बता दूं कि कितना जो पैसे थे वो इनके चुराए गए हैं। इसमें से ये पहला शख्स है, इसका नाम है किशोराम पुत्र दुर्गादास, ये मादा का रहने वाला, और इसका 18,000, जी हाँ 18,000 का कैश जो है वो चोर लेके रफू चक्कर हो गए। उसी के साथ दूसरा शख्स बाबूराम पुत्र लहर सिंह, ये भी रियासी का रहने, मादा का रहने वाला, और इसके 24,000। अब बात की जाए तो इन दोनों व्यक्तियों की जो जेब कटी हैं उसका कुल जो टोटल बनता है वो है 42,000 रुपया, कम नहीं होता। 42,000 रुपया दो लोगों से जेब कतरे जो हैं वो दिन दिहाड़े लूट कर ले गए। आखिरकार ये गलती किसकी है, कमी किसकी है, अब तो ये पता नहीं। लेकिन जो आंतक है चोरों का, वो दिन दिहाड़े अगर इस तरह से लोगों की जेबें काटना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा आम जनता का। किस तरह से लोग बाजारों में घूमेंगे, किस तरह से लोग पैसे लेके बैंकों से अब घर जाएंगे, किस तरह से खरीदारी करने के लिए लोग शहर में पहुंचेंगे, ये सोचने वाला सवाल है। क्योंकि लोगों के मन में एक खौफ बैठ जाएगा कि वह कैसे खरीदारी करने जाएं, पैसे अपने साथ कैसे रखें अगर इस तरह से लोगों की जेबें कटना शुरू हो गई। उसके बाद ये दोनों लोग जो हैं वो पुलिस स्टेशन चनैनी पहुंचते हैं और वहां पे अपनी कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ कहा कि शायद पुलिस वाले कह रहे थे कि उनका स्टाफ जो है वो छुट्टी पर है या मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है पुलिस ने भी इसमें दखल दी है, इनकी एप्लीकेशन मंजूर की है। उसके बाद अब जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब ये चोर जो हैं ये जेब कतरे कब पकड़े जाएं, ताकि लोगों को राहत मिले कि वो भी चैन की नींद सो सकते हैं या चैन से आराम से किसी भी शहर में, खासकर चनैनी में घूम सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहते हैं ये लोग जिनकी जेब कटी है। मैं उसका मतलब क्यों नहीं पैसे, मैं 1,000 रुपया उन्हें सौदा देता ना, तो मतलब 25,000 था, मैं उसे चाह मतलब मैं 1,000 उन्हें देता, उसके बाद बाहर ही निकलिया, बाहर ही लगे दिखना था किसी पैसे नहीं है। हाँ जी हाँ जी, 25,000 4,000 रुपया उन्हें देता मतलब के लाजी साहब ने, उसके बाद 24,000 रुपया मेरे को रही गया, बाल ही निकलिया हूँ तो बाद मतलब बाल ये दंद मतलब कराने गया हूँ, शेव कराने गया, शेव करने बाद बाद उसी पैसे देते मैं मतलब के शेव करना ली, शेव करने लिए पैसे देने बाद आऊं मतलब के फिर से भी मतलब पैसे दिख रहा तो मतलब के जगह है 24,000 रुपया नहीं है उन्हें मतलब के, बाकी मेरे दवाई किसे पे थी वो भी है, बाकी मतलब 24,000 रुपया जो मतलब मतलब वो है किन्ने चिर पहले घटना हुई है ये, कोई मतलब मेरे कोई 15-20 आधा घंटा हुई है, आधा घंटा मेरा मेरे पैसे कटने का, मेरे ना एक मिनट एक मिनट बैंक गया सर, सो पैसे भी आए 10,000 उतना आए इसे चाहिए हटिया पापा गया फिर चल चाह पी लें भाई चाह पी थी हटी दे महाओं दिता पैसे दे दो बंदे एंडे हे पांच चाहिए कप भी त्रै पीते उन्हें मिलते बैठे मिलते जी बिलकुल वो बैठा मेरे मिलता आई अं अस पहले बैठे बैंक अंदर मैं भी गया और ये किशोराम जो है मेरे साथ था
वहां से पैसे निकाले, हम चाय पी रहे थे यहां पे, ये चाय पीते पीते इसकी जेब काट दी। वो कहां जा रहा है? चाय का, अब चाय पीते पीते जेब काट दी, 1800-1800 रुपया इसका निकाल लिया। उसके बाद ये बाबूराम है, उसका भी यहाँ पे 24,000 रुपया भी जेब से निकाल लिया। पिछले परसों भी यहाँ पे ऐसा ही ऐसा हुआ, 18,000 रुपया यहाँ से और निकाल लिया गया। तो इसके लिए हम सब लोगों को मिलके इन चोरों के खिलाफ जो है एजिटेशन करनी चाहिए, और इनके खिलाफ हम पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनको ढूंढो, निकालो, नहीं तो हम जा रोड पे इकट्ठे होकर धरना दे देंगे, और इनको इनको जब तक आप पकड़ोगे नहीं हम यहाँ से उठेंगे नहीं। गरीब एक गरीब किसान जो है एक मेहनत मजदूरी करके वो पैसे इकट्ठे करता है। आज वो बीज लेने के लिए आए हुए थे, वो सीड लेने के लिए आए हुए थे एग्रीकल्चर दफ्तर, और उनकी जेब काट गई, कट गई। और पुलिस थाने में हम गए, वहाँ पे ऐसे साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला हमारे पास आज स्टाफ नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। अभी वो बंदे यहाँ पे ट्रेस हो सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आज टाइम वो ट्रेस हो सकते हैं। तो आप हफ्ते बाद बोलोगे कि हफ्ते बाद उनको ढूंढेंगे, वो मिलेंगे? पुलिस को भी हम कहेंगे आप लाट हो गए, इनको ढूंढो, हम एक हफ्ते का टाइम देते हैं, अगर ये नहीं मिले तो हम पूरे गांव वाले इकट्ठे होके यहाँ पे एजिटेशन करेंगे, रोड पे बैठ जाएंगे जब तक इनको पकड़ोगे। हर दिन जो आए हुए दिन में कोई दिन चेंज के अंदर आसान नहीं होता है, केस नहीं होता है, हर गरीब लुट रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ ड्यूटी इसलिए नहीं बनी है कि लोगों की जेबें काटने के लिए। मैं सबसे जितने भी जहाँ हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं सब लोगों से कहूंगा कि श्रेणी के अंदर आते हो अपनी अपनी जेब को संभाल के रखो, चुकन्ने रहो, अपने पैसे की खुद जो है सेफ्टी रखो, और जो भी मिलता है उसको जो आप खुद भी सजा दो और पुलिस के हवाले करिए।